हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो। तो बैंक निफ्टी ने आज एक अच्छे खासे वीक ओपनिंग के साथ हमारा जो टारगेट था 35,800 का वो अचीव कर लिया। उसके अराउंड सपोर्ट लेने के बाद हमने यहाँ जो है तो एक बाउंस बैक भी देखा है। और यहाँ थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस था बैंक निफ्टी में, आज स्ट्रेंथ थी ड्यू टू ICICI बैंक। यहाँ बैंक निफ्टी बंद हुआ है 36,150 पे, लगभग 56 पॉइंट गेन के साथ फ्लैट पॉजिटिव। वीकली चार्ट पे देखोगे तो हम पॉजिटिव कैंडल दिख रही है हमें, मगर मुझे लगता है कि ये कैंडल जो है तो आने वाले सेशंस में नेगेटिव हो जाएगी। या जो है तो बाउंस बैक जो चल रहा है ये फ्रेश सेलिंग अपॉर्चुनिटी इन माय व्यू। या जो है तो नीचे हमें 34,35,200 और उसके बाद में 34,600 और हो सकता है कि उसके नीचे की भी टारगेट जो है तो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। वीकली चार्ट पे यहाँ जो है तो यहाँ मल्टीपल सपोर्ट होने की वजह से, जहाँ 35,900 पे लगभग 50 वीक का जो एवरेज है उसका सपोर्ट था, 35,800 पे एक दूसरा सपोर्ट था, तो उसके वजह से वहाँ से हमें एक अच्छा खासा बाइंग सपोर्ट आते हुए दिखा है मार्केट में, या फिर शॉर्ट कवरिंग कर लीजिए। मुझे लगता है कि ये ऊपर रेजिस्टेंस पे जाने के बाद हमें फ्रेश सेलिंग जो है तो देखने को मिल जाएंगे। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि यहाँ जो है तो हम 200 डेज के एवरेज के नीचे है, मगर यहाँ जो है तो उसको रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा है, उसके अराउंड ही हम क्लोज हो चुके हैं। ऊपर की तरफ 36,700 पे जो है तो 50 डेज का एवरेज है वो एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, और उसके अराउंड अगर बैंक निफ्टी मिलता है तो आपको शॉर्ट जाना चाहिए, और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 950 के ऊपर। और मुझे लगता है कि नीचे जो है तो मेरे टारगेट सेम रहेंगे 35,200, उसके बाद में 34,600 के, ये इंटैक्ट है मेरे टारगेट। सिर्फ यहाँ स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि यहाँ थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस है तो हम ऊपर रेजिस्टेंस तक आने देंगे बैंक निफ्टी को और फिर बेचेंगे। अभी देखते हैं आवरली चार्ट। तो आवरली चार्ट पे आप देख सकते हो हमने लगभग ओपनिंग पे ही 35,500 के लेवल देखे थे, तो 200 भी लगभग अच्छा हो चुका था, मगर मुझे लगता है कि फिर भी हम जो है तो एक बार उसको टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। यहाँ जो है तो ऊपर की तरफ मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी अगर मुझे 36,600 टू 750 के अराउंड मिलता है तो मैं बेचने की कोशिश करूँगा। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 950 के ऊपर, और मेरा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 35,200 का, ये मेरा मेजर टारगेट रहेगा। आपको छोटा टारगेट चाहिए तो फिर से 35,800 का, तो अगर 700 से देखेंगे तो 900 पॉइंट का आपको टारगेट मिलता है। अगर ये 200 का देखेंगे तो लगभग 1500-1600 रुपये का आपको टारगेट मिलता है। तो 700 के अराउंड अगर आता है बैंक निफ्टी, और मुझे लगता है कि एक आएगा बाउंस बैक, तो उसके अराउंड अगर मुझे मिलता है तो मैं बेचने की कोशिश करूँगा। 600-700 के बीच में हम एक्युमुलेट करेंगे शॉर्ट्स, 950 के ऊपर स्टॉप लॉस, टारगेट 35,800, और इसके बाद में जो है तो 35,200 के टारगेट हमें शॉर्ट टर्म में दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ मेरा मोस्टली शॉर्ट साइड पे ही व्यू रहेगा। अगर आपको जो है तो फिलहाल ये करंट लेवल पे शॉर्ट करेंगे बिल्कुल नहीं, अगर आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो मेरे हिसाब से जो है तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट जा सकते हो, मगर आई विल नॉट प्रीफर दैट, आई विल वेट फॉर द रेजिस्टेंस लेवल टू कम एंड देन आई विल शॉर्ट द मार्केट। तो आपको 600-700 के लेवल का वेट करना है, अगर आते हैं तो शॉर्ट कीजिए विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, नहीं आते तो छोड़ दीजिए, आपको फिर से जो है तो दूसरे ट्रेड आपको देखने को मिल जाएंगे मार्केट में। करंटली बैंक निफ्टी पे यहाँ जो है तो एक थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, तो उसको हम एज अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी यूज करेंगे अराउंड रेजिस्टेंस लेवल। तो आपको ये जो जोन है बैंक निफ्टी का 36,600-750 का, उसके अराउंड जो है तो आपको शॉर्ट क्रिएट करने हैं। ऑप्शन ट्रेडर जो है तो उन्हें सलाह रहेगी इन द मनी पुट ऑप्शन, तो 36,750 का, 700 का या फिर 800 का जो पुट ऑप्शन है उस पर हम एक्विलेशन कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे खासे गेन चाहिए तो उसमें जो है तो स्टॉप लॉस सेम रहेगा, 950 के ऊपर अगर फ्यूचर जाता है तो उस ऑप्शन में जो भी लॉस होगा वो आपको लेकर निकल जाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि हम जो है तो अगर 35,200 भी जाते तो उस ऑप्शन में आपको लगभग 2x-3x गेन देखने को मिल सकते हैं। तो वी विल फोकस ऑन इन द मनी पुट ऑप्शन, 36,800 का पुट ऑप्शन, और जब बैंक निफ्टी उसके नज़दीक जाएगा तभी उस ऑप्शन में आपको एंटर करना है, करंट लेवल पे नहीं। अभी जो है तो 36,150 पे है बैंक निफ्टी, तो करंट लेवल पे हम
इंटर नहीं करेंगे। अगर बैंक निफ्टी नीचे खुलता है तो हम छोड़ देंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि फिर से बाउंस बैंक निफ्टी में एक बाउंस बैक आ सकता है जो है। तो अगर 34,600 का लेवल टेस्ट करता है बैंक निफ्टी, तो आपको वहाँ से जो है तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में, क्योंकि उन लेवल पे बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड हो जाएगा शॉर्ट टर्म चार्ट पे, तो वहाँ से भी आपको बाइंग के मौके देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको ऊपर के लेवल मिलते हैं तो ही शॉर्ट करेंगे, बाइंग का सोचना है अभी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो है तो नीचे आने के बाद उस टाइम क्या प्राइस पैटर्न रहते हैं, इंडिकेटर पैटर्न रहते हैं, उसके हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। करंटली मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी की वहाँ से आपको बाउंस बैक देखने को मिलेगा, मगर वहाँ अगर खुलता है मार्केट तो हम लॉन्ग लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे, हम वेट एंड वॉच करेंगे। हो सकता है कि इंट्राडे में कर सकते हैं, तो उसके लिए आप जो है तो मेरा ट्विटर या फिर टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं अपडेट देते रहता हूँ, तो वहाँ आपको इंट्राडे के भी अपडेट फ्री में मिल जाएंगे। अगर आपको पेड सर्विस चाहिए तो उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जो है तो जिन्होंने शॉर्ट किया होगा, शॉर्ट लेकर गए होंगे, उन्हें जो है तो ओपनिंग पे ही अच्छा खासा बैंक निफ्टी ने मुनाफा दिया, और शॉर्ट कवरिंग पे जिन्होंने लॉन्ग किया उन्हें लॉन्ग साइड भी अच्छा खासा इंट्राडे में प्रॉफिट मिला है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी प्रीमियम सर्विसेज के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ टेलीग्राम के भी लिंक है, वहाँ जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।